सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो इम्पोर्टेंस में क्या आता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी रियल लाइफ में. ओके, सो इसमें इस तरह के टॉपिक आएंगे जो पहले जो मैंने बताया था एंशियंट टाइम में इतना यूज़ नहीं होता था कि बस न्यूमेरिकल डाटा तक ये इसकी लिमिट हो गई कि यहीं तक यूज़ होगा. बट अब क्या है कि ये हर जगह यूज़ हो रही है. मीन्स लाइक हमारे पास देखो कितने एग्जाम्पल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड वॉर. तो इन सब में हमारी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है. तो देखो प्लानिंग में कैसे यूज़ होती है. जैसे हमारे कई बार ये होता है कि प्लान हम अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, जो हमारा डाटा होता है प्लानिंग वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है. तो अब इसमें मतलब कैसे यूज़ होती है, जैसे हमारे वेजेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इनकम वगैरह हम डालते हैं, उनकी जो हमारे पास डाटा आता है उनका सब एनालिसिस करने के लिए हमारी इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ हो रही है स्टैटिस्टिक्स, देखो आपने कई बार देखा होगा जो हमारा कौन सा पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास कई एग्जांपल है, लैपलेस, ठीक है, और सेबिशूज इनइक्वालिटी. ओके, तो इन सब में मतलब हमारी ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है. तो इसमें हम जो हमारी और एक बात और कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स हम बोल सकते हैं इसे. तो ये है, तो इसका जो नाम पड़ा था क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इन्होंने नाम दे दिया अलग से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. ओके, थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में कैसे यूज़ हो रही है ये स्टैटिस्टिक्स. तो इकोनॉमिक में क्या आता है मेनली, कि मतलब फोरकास्टिंग वगैरह करनी, ठीक है, तो भाई इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है, मीन्स मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं इसको. ओके, सो लाइक वेजेस, प्राइसेस, डिमांड और कंजम्पशन वगैरह में हम ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एनालिसिस वगैरह यूज़ करने के लिए. तो इसका जो नाम दिया जाता है बेसिकली वो होता है, इन दोनों को कंबाइन करके जो नाम मिलता है हमें, इकोनोमेट्रिक्स. ये पढ़ने को मिलेगा आपको, मास्टर्स में भी मिल सकता है, मास्टर्स में तो मिलेगा और मे भी ग्रेजुएशन में भी मिल सकता है. ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा नाम क्या बनता है, इकोनोमेट्रिक्स. ओके, सो गाइज नेक्स्ट वन है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस. इसमें हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे यूज़ होती है, ठीक है, जैसे बिजनेस से आपको पता चल रहा हो कि इसमें कुछ लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात हो रही होगी, है ना, इंश्योरेंस वगैरह की बात हो रही होगी, तो इस टाइप से इसमें बिजनेस में ये यूज़ होती है. और एक चीज़ और कि जो बिजनेस में जैसे हमारा जो बिजनेस है मतलब वो कितनी आगे पहुँच रहा है या कितने नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो सब कैलकुलेशन करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, मीन्स उसमें मेथड अप्लाई करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारी स्टैटिस्टिकल एंड बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंस. ओके, तो इसमें कैसे यूज़ होती है, जैसे बायोलॉजी में देखो आप, तो बायोलॉजी में मेनली क्या आता है कि हमारे बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस इसमें क्या आता है मेनली कि लाइक मेडिसिंस वगैरह या ड्रग्स वगैरह या फिर हॉस्पिटल के जो डाटा जो आ रहा है उसका मतलब एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से उसमें हम यूज़ करते हैं. और मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन वगैरह या फिर हम ड्रग्स वगैरह जो बनाते हैं रिसर्चर, ठीक है, तो उनमें मतलब स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ होती है, वो उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी मेडिसिन है, जैसे आपने उसमें देखा होगा कि इसकी एक्सपायरी डेट इतनी है, ठीक है, मीन्स ये इस डेट तक वो बेटर रहेगी ये चीज़, ठीक है, तो उसमें भी हम उसमें उसके पीछे क्या लगी होती है स्टैटिस्टिक्स, जो उसमें हमारा मेन क्या लगा होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन्स टी टेस्ट जो बेसिकली यूज़ होता है उसमें, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी उसमें इसी बुक में, ठीक है, तो उसमें हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं वो फाइंड करने के लिए कि वो कितनी वैलिडिटी है उसकी. ओके, नेक्स्ट वन है हमारी एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में मतलब देखो आप, जैसे हम स्टार्स वगैरह होते हैं, मून होता है, ठीक है, कुछ भी होता है मतलब इसमें एस्ट्रोनॉमी में, तो उनके बीच का डिस्टेंस वगैरह क्या है या वो कितनी हैवी है, ठीक है, तो उस तरह से हम उसमें यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स. इसमें बेसिकली जो हमारा मेन आता है वो होता है नॉर्मल लॉस एरर हम यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है. नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन. इसमें हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे यूज़ होती है, तो इसमें देखो जैसे आपने एजुकेशन में देखा होगा ये कि हमारे मतलब कौन सा स्कूल बेटर है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, ठीक है, तो मतलब स्टेट वाइज देखते हैं और नेशनल वाइज भी हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब उसके पीछे पूरा डाटा एनालिसिस करके ही हम डिसीजन लगा फाइंड करते हैं कि ये चीज़ बेटर है, ठीक है, या ये यूनिवर्सिटी बेटर है, या फिर हम अंदर ही देख लेते, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप देख लो
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें हमें डाटा एनालिसिस वो करना है, एनालिसिस करना है, तो उसमें मतलब वो सब फाइंड करने के लिए कि कौन सा चीज़ ज़्यादा बेटर है या कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो जैसे देखो ये मैंने लिख रखा है टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, ठीक है, इसमें इस पूरे को नाम दिया जाता है फैक्टर एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड वॉर। जैसे आपने वॉर के टाइम में देखा होगा, ठीक है, कि डिसीजन वगैरह हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो कोई डाटा गिवन है हमें, लाइक कोई मॉडल वगैरह गिवन है, किसी सिटी का डाटा गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है कि ये चीज़ सही है या नहीं वॉर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे, तो उसमें भी हम क्या होता है ये स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ये सारे मतलब जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे ये लगभग सारे एरिया कवर कर रही है, ठीक है, तो मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो हर जगह है और ये मतलब कोई फील्ड ही कोई रेयर बस्ती होगी, अदरवाइज ये हर जगह यूज होती है क्योंकि जहाँ पे डाटा हो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हमारी यूज होगी, बेसिकली मेन बात ये है। ओके, सो ये पॉइंट हमारा यही खत्म होता है। सो आई थिंक